कैंप में इस समय जितनी भी शक्तियां इस समय उपस्थित हैं उन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। शक्ति कैंप के इन सभी शक्तियों को हार्दिक अभिनंदन एंड मोस्ट वेलकम। आज के लेक्चर के लिए जो टॉपिक मैंने चुना है वो है अनलॉकिंग द सीक्रेट ऑफ फीमेल प्रॉब्लम्स। तो फीमेल हेल्थ के लिए जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमारी जो शक्ति है उसको कहाँ पे किस एरिया में होती है, तो उसी को हम पहले समझेंगे और फिर उसके समाधान की बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे फीमेल बॉडी जो है इस वक्त जो है जो ओबिसिटी है या वेट गेन है ये एक तरह से बहुत ज्यादा ज्वलंत समस्या है आजकल के मॉडर्न टाइम्स की। और ऐसा जो है ये तो हम सब जानते ही हैं कि अगर बॉडी फैट एक्यूमुलेट होता है तो उसके विभिन्न कारण हैं, डाइटरी फैट ऑफ कोर्स, ईटिंग हैबिट्स हमारी जो है वो समय पर नहीं खाना, और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी हम जो है महिलाएं नहीं कर पाती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर के दायित्व को देखते हुए ज्यादा समय हम अपने ऊपर ना देकर घर की जिम्मेवारियों में लगी रहती हैं, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। और फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कई बार हो जाते हैं, कई बार हम अपनी उदासी, अपनी अपना गुस्सा और इन सब इमोशनल ईटिंग भी, साइकोलॉजिकल ईटिंग भी करने लग जाते हैं हम लोग, निर्मला जी म्यूट करें। मैम आप म्यूट हो गए हैं। सुनीता मैम आप म्यूट हैं। हेलो। शरीर में फीमेल बॉडी में हार्मोन्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग किस्म के जो है हमारी लाइफ साइकिल चेंज होती है और फिर जो हार्मोन्स का स्राव है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में। और इन्हीं हार्मोन्स के चलते और जैसे जो फीमेल्स की जो प्रॉब्लमेटिक एरिया या जिसे उसे बैली फैट कह लीजिए, हिप्स और थाई में फैट कह लीजिए, वेस्ट लाइन पे कह लीजिए, ब्रेस्ट पे एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स पे जो फैट होता है उसमें रोल बहुत ज्यादा जो है हमारे हार्मोन्स का होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है बहुत सारे डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं लेकिन वो डाइट प्लान या तो बहुत स्टार्विंग वाले होते हैं, भूखा रखने वाले, या बहुत कॉस्टली होते हैं, या हमारे कल्चर जो हमारा हिंदू धर्म है उसके अकॉर्डिंगली जो हम बचपन से आदतें हैं हमारी उसमें फिट नहीं बैठता है, तो इसके चलते हमें जो है डाइट फॉलो हम नहीं कर पाते और एज अ रिजल्ट वेट रिड्यूस नहीं हो पाता। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो जैसे कि ये अक्सर होता है कि भाई शादी के समय मेरे 45 किलो का वजन था और पहली डिलीवरी होने के बाद जो है 55 किलो, दूसरी डिलीवरी के बाद 65 और अब जो है फारिक हो गए तो अब जो है 75 किलो पे आके वजन अटक गया। तो और स्पेशली जो है यंग मदर्स हैं जिनके छोटे अगर हम देखें एक दो साल तीन साल तक के बच्चे हैं तो वो बच्चों के लिए खाना बनाती हैं और उनको खिलाने का प्रयास करती हैं। हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है कि कैसे हम फूड को हम वेस्ट कैसे कर दें, तो ये मेंटालिटी हमारी बहुत बड़ा जो है मोर देन 50% ऑफ फीमेल्स का जो वेट गेन है वो इस फिलॉसफी के कारण होता है कि बच्चे के लिए बनाया बहुत शुद्ध घी डाल के और बहुत ही प्यार से और ममतावश, लेकिन बच्चे ने दो चार चम्मच खाए उसके बाद जो है अब उसको वेस्ट कैसे करें, तो महिलाएं जो है वो स्वयं कंज्यूम करती हैं। इस तरह से घर में भी जो है बचा हुआ या कुछ रह गया तो ये कारण बहुत होते हैं एक महिला के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भोजन को वेस्ट करें, कदापि ना करें, एक तो कम बनाएं और फिर जो है अपने शरीर को डस्टबिन ना बनाएं कि जो भी अगर बचा है तो आप उसको, अपना समय खाने का निर्धारण कीजिए और जो मैं डाइट प्लान आपको मैंने आप लोगों को पोस्ट किया है उसके अनुसार
आपको दिन की शुरुआत फलों से करनी है और लंच और डिनर में आप ज्यादा से ज्यादा सैलेड्स खा के उसके बाद आप मेन कोर्स पे आएंगे। इन डाइट प्लान को फॉलो करते करने से आपका वजन से लेकर और जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं वो सब जो है आपकी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। अब अगर हम बात करें कि आज जैसे मैंने वजन का टॉपिक लिया, आज मैं स्पेशली पूजा जी के लिए, उन्होंने ये कहा था कि मैं वजन घटाना चाहती हूँ और मैं स्पेशली आज वजन के ऊपर बोलने का मैंने सोचा और अभी आज मुझे वो दिख नहीं रही हैं। खैर एनीवेज हमारी ये कॉमन प्रॉब्लम है, फीमेल्स की सबकी प्रॉब्लम्स है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो हमारा एक हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन। तो वेट हमारा क्यों बढ़ता है, और कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपके दो फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार हैं, आप देखेंगे कि उसमें एक पतला है और एक मोटा है। हालांकि जो पतला व्यक्ति है वो बहुत अधिक उसकी डाइट है लेकिन उसको वजन नहीं वो गेन करता। तो रिसर्च ने पाया कि हमारे शरीर में जो विभिन्न तरह के हार्मोन्स होते हैं उसमें जो इंसुलिन हार्मोन है उसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे वजन गेन करने में। जब ये हार्मोन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा से अधिक हो जाता है तो इसके इंसुलिन के शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट है यदि उससे ज्यादा क्वांटिटी हो गई तो ये शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेवलप मतलब क्या हुआ, सबसे पहले चलिए हम इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन समझते हैं, इंसुलिन हार्मोन को समझते हैं। इंसुलिन हार्मोन हमारे जो लेफ्ट साइड पे हमारे पैनक्रियास नामक एक ग्लैंड या ग्रंथि है वो स्टमक के नीचे है और वहां से जो है बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन का स्राव करते हैं। इस इंसुलिन नामक हार्मोन का फंक्शन क्या है, हम जो भी भोजन करते हैं चाहे कितने 10 प्रकार का खाएं या 100 प्रकार का खाएं वो अल्टीमेटली 3 प्रकार में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज में, प्रोटीन है तो वो अमाइनो एसिड में, और फैट खाते हैं तो वो फैटी एसिड में, 3 चीजों में ही परिवर्तित हो जाता है। अल्टीमेटली उसका ग्लूकोज बन जाता है और हमारे शरीर में ब्लड में जो है ग्लूकोज शुगर की मात्रा हमारे भोजन के बाद आ जाती है। इस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए, अब देखिए वो खून में तो आ गया, हमने भोजन किया और भोजन से वो भोजन पच के रस बना और हमारे ब्लड ग्लूकोज बन गया और हमारे ब्लड में अब ये ग्लूकोज घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ग्लूकोज है वो अब हमारे शरीर में बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल है और हर एक कोशा को न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज चाहिए। तो वो जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल के अंदर, कोशा के अंदर कैसे जाएगा, वो हर सेल में एक ताला लगा होता है ये समझिए, और ये जो इंसुलिन है ये वो चाबी है। जैसे जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो हम पहले ताला खोलते हैं, पहले हम जाते हैं फिर हमारा मेहमान हमारे साथ आता है, उसी तरह से इंसुलिन जब तक चाबी लगा के वो ताला सेल का नहीं खोलेगी, जिसे के टेक्निकल भाषा में हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं, उसकी चाबी इंसुलिन है, जब तक वो इंसुलिन वो ताला नहीं खोलेगी तब तक वो जो ग्लूकोज जो ब्लड में घूम रहा है वो सेल के भीतर नहीं जाएगा, वो सेल के भीतर नहीं जाएगा तो सेल उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर सेल उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो वो शुगर यानी कि ब्लड शुगर जो है आपके खून में घूमती रहेगी। अब क्या होगा, आपके शरीर में ग्लूकोज भी ज्यादा है, इंसुलिन भी सिक्रीट हो रही है, लेकिन वो जो ग्लूकोज है वो अपने सेल में नहीं जा पा रहा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते। तो इस समय जो इंसुलिन है वो जो शुगर को जो हमारा ग्लूकोज है उसको फैट में परिवर्तित करती है और हमारा जो है बॉडी फैट बनना शुरू होने लग जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये समझने की जरूरत है कि द मोर इंसुलिन इज देयर इन द ब्लड तो हमारा जो है फैट, जो फैटी एसिड है, क्योंकि इंसुलिन का जो काम क्या है, उसका नंबर वन काम है एक तो ग्लूकोज को सेल के भीतर ले जाना, उसका दूसरा उसका ये फंक्शन है कि जो एक्सेस मात्रा में हमारे
शुगर है बॉडी में, ब्लड में है, उसको लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देना। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करने का मतलब है कि वो इमरजेंसी यूज के लिए, कि जब हम 13-12 घंटे अगर हम यदि कुछ ना खाएं, लेकिन उस समय हमारा दिमाग काम कर रहा है, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, लिवर को चाहिए, किडनी को चाहिए, तो वो एनर्जी जो है, वो स्टोर जो है ग्लाइकोजन का, वो उससे जो है हमारी बॉडी एनर्जी ले लेती है। और तीसरा काम जो इंसुलिन का है कि जो एक्सेस शुगर, अब इंसुलिन ने क्या किया, सेल के अंदर भी पहुंचा दिया ग्लूकोज, कुछ को स्टोर भी कर दिया, लेकिन अभी स्टिल हम लोग जो है अगर कॉन्टिन्यूसली दिन में खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं, तो वो इंसुलिन की मात्रा जब जब खाते हैं तो इंसुलिन सीक्रेट होता है। ये दो काम करने के बाद, यानी के सेल को उसका ग्लूकोज देने के बाद, कुछ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद, अभी अगर स्टिल अगर ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है अगर है, तो उसको जो बॉडी जो इंसुलिन है वो क्या करती है, फैटी एसिड में बना के फैट डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में हमारे फैट डिपॉजिट, तभी अब ये आंसर हमें मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भाई ऑयल नहीं खाते, हम घी नहीं खाते, हम तो एग का जो येलो पोर्शन है वो भी निकाल के खाते हैं, फिर भी हम मोटे क्यों होते हैं। तो वहां इसका जवाब आपको ये मिल गया कि जो भी रोटी, दाल, चावल या जो भी आप खा रहे हैं, उसका जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन जो है फैट में परिवर्तित कर रही है और फैट डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका जो है, इससे निजात पाने के लिए एक्सेस प्रोटीन, आप ये आपकी जो इंसुलिन ना हो निर्धारित मात्रा, तो उसके लिए आपको जो डाइट प्लान मैंने दिया है, जिस तरह से आपको सुबह से लेके रात तक का डाइट प्लान, के ज्यादा से ज्यादा नेचुरल होलसम प्लांट बेस्ड जितना आप वो डाइट खाएंगे, उतना आपका जो हार्मोन्स का संतुलन है वो ना ज्यादा होगा ना कम होगा, बल्कि उतना ही होगा जितना के शरीर की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से हमारे को अपने जो है डिफरेंट हार्मोन्स जो बॉडी में है। और दूसरी बात, आपका ये जो क्या कहते हैं, हमने जो डाइट प्लान बताया है वो सभी के लिए मुझे लगता है करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको सुबह जो है फल का नाश्ता करना है खूब सारे, मैंने सिर्फ आपको जो है स्टार्वेशन की डाइट नहीं दी है, आपको कम खाने के लिए नहीं बोला है, आप बहुत खाइए, लेकिन क्या खाना है उसको ध्यान देना है कि आप, अगर आपको कब्ज की शिकायत रहता है, आप पपीता खाइए, आप प्राकृतिक भोजन ऐसे करेंगे तो आपका कब्ज स्वतः ही दूर हो जाएगा। दिन की शुरुआत जो है, आप क्या कहते हैं, अगर जिनको एसिडिटी होती है वो भीगे हुए मुनक्कों से शुरू कर सकते हैं, और क्या कहते हैं अपना पपीता ले सकते हैं। और लंच में जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम, देखिए जब आपको भूख न लगी हो उस समय आप भोजन करेंगे तो आपको इनडाइजेशन होगा, अपच होगी, और जब अगर आपको भूख लग रही है और उस समय नहीं खाएंगे तो आपको एसिडिटी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल हंगर जब आपको हो तो आपको तब भोजन करना है, ये नहीं कि समय देखकर। और भोजन में आपको सबसे पहले फल, आपकी दिन की शुरुआत, सबसे पहले तो मैंने कहा क्लेंजिंग ड्रिंक से, आप कोई ना कोई शोधक पे, एलिमिनेटिव ड्रिंक, आजकल आंवला है या जो आप लेमन हनी वाटर है, किसी से भी जो आपको सूट करता है वो आप पी के दिन की शुरुआत करें। उसके बाद ब्रेकफास्ट में खूब सारा फल खाएं, 3-4 प्रकार के, आधा किलो तो मैंने मिनिमम बोला है, आप जो है उसका छिलका, उसका बीज, गुठली निकाल कर वजन करिए, बकायदा कुछ दिन आप वजन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से लंच में आपको जो है सैलेड, कम से कम 300 ग्राम आपको कच्ची सलाद खानी है। जिनके अगर दांतों की समस्या है या जो कच्चा खाने के बाद जिनको गैस बनती है, तो वो तो हल्का सा स्टीम कर लें, भाप दे दें उसको बहुत कम देर के लिए, और या फिर उसको जो है बहुत ही अगर दांतों की दिक्कत है, कच्चा बिल्कुल नहीं चबाया जा रहा, तो आप मिक्सी में उसकी एक तरह से स्मूदी टाइप भी बना सकते हैं, चटनी टाइप जैसे चम्मच से खा सके वो कर सकते हैं, नहीं तो उसका रस जैसे कि जूस बना सकते हैं। कच्चे वेजिटेबल्स आप गाजर लीजिए, पालक लीजिए,
टमाटर डालिए, इस तरह से आप जूस बना के भी उसको पी सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं जिस तरह से आप अपनी, और आप सब्जियां बहुत सारी वेजिटेबल दलिये में बनाइए, जौ का दलिया है, गेहूं का दलिया है, और रात को सूप पीजिए, सब्जियां खाइए, और जो है भीगे हुए मेवे मैंने आपको बताए हैं, अंजीर है, मुनक्का है, और जो नहीं दबा सकते तो वो उन उसको भीगे हुए अंजीर मुनक्के का पानी नहीं फेंकना, बादाम को अलग भिगोना है, और उसको आप मिक्सी में पीस सकते हैं और उसका मिल्क भी बना सकते हैं, और वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं उपाय भोजन के प्रति हैं। अब जो है सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, निर्मला जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी हाँ जी, आप जो तबीयत है पहले तो बताएं कि आपका कैसा चल रहा है, डाइट में कुछ आपने किया, कुछ फायदा हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? वैसे तो अभी आज दूसरा ही दिन है, अभी कुछ दिन करने के बाद जो है हफ्ता भर आप करेंगे तब आपको महसूस होगा। वैसे ओवरऑल ये कर पा रहे हैं आप कैंप की सब? धीरे धीरे करना है, एक ज्यादा तो एकदम धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। और डाइट प्लान में मैंने, आपने जो बताया ना सुबह वो उठ के पानी और लेमन और डाल के पिया, इसके बाद में नाश्ते में फ्रूट खाए जी, और खाने में है ना मैंने हल्का ही आज बहुत खाया, गैस एसिडिटी, अच्छा भूख नहीं लगती मेरे को बिल्कुल ही, धीरे धीरे खुलेगी। तो थोड़ा सा एक मिक्स रोटी और सूप लिया मैंने जी, और अभी शाम को थोड़ा दाल चावल इच्छा है खाने की, तो वो बना पतली दाल और चावल खाऊंगी जी। और उससे पहले थोड़ी सलाद अगर खाएं तो ज्यादा, उसको कद्दूकस कर लीजिए अगर चबाने में दिक्कत होती है। सलाद मैंने सुबह खाई थी, शाम को खाऊंगी तो गैस नहीं बनेगी मेरे, बहुत गैस बन रही है ना अभी। अभी गैस की समस्या है आपको? हाँ है, बहुत छाती में हिचकियां जो आती है ना वो कभी कभी चालू हो जाती है बहुत वापस। ओके, तो मैं सलाद शाम को अभी कद्दू वो बीट रूट उबाल के रखा है वो खा लूंगी। हाँ ठीक है, आप अपनी जो है जो आपको सूट करता है, लेकिन जो भी कच्ची सलाद से अगर गैस बनती है, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा, आप जी ने बोला था ना पहले, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा बघार दे देती हूँ। हाँ भाप कर लेती हूँ, गरम कर लेती हूँ, ऐसा ही आपको करना है। 300 ग्राम तो नहीं खा पा रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही खा, मेरे को जी घबराने लगता है बहुत। वो धीरे धीरे आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, धीरे धीरे ही होगा, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा हमें लोगों को सलाद खाने की आदत होती नहीं है, तो इसीलिए जो है उसमें क्या कहते हैं, फ्रूट मैंने आज करीबन 300-250 ग्राम जितने खाए, 2 केले और वो ज्यादा नहीं खा पाई, फिर जी घबराता है मेरा बहुत। हाँ जितनी आपकी स्वाभाविक तरीके से कम है बहुत मेरे ऐसे भी तो ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही, आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी बढ़ाइए अपनी धीरे धीरे, और लेकिन जो भी भोजन जैसे दिन की शुरुआत करती है, बहुत लग रहा है बहुत आपकी डाइट से फर्क बहुत लग रहा है, मैं योगा भी थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ और एनर्जी लग रही है, जो इतना थकान और चक्कर आया मेरे को डॉक्टर के बार बार ग्लूकोज चढ़ाने का, और बोल रहे थे ना अभी अवेलेबल है नहीं, लेकिन मेरे को 2 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसे ही करिए, नारियल पानी अपने पास रखिए, कमजोरी महसूस होती है तो नारियल पानी पीजिए। हाँ बहुत फायदेमंद पानी है ना, मैं निकालू और एक ही साथ में पीना है या थोड़ी थोड़ी देर में पीना है, मतलब क्या एक बार मैं मेरे से खत्म कर दूं, दूसरी बार पीती हूँ थोड़ा रख के तो उसमें मेरे को गैस बनती है बहुत। हाँ नहीं रख के नहीं, बैठ जाइए आराम से 10-15 मिनट लगा के सिप सिप करके पीजिए तसल्ली से धीरे धीरे। हाँ जी, आप और जितना आपकी सहजता से, देखिए सहजता से चलना है, अपने शरीर के हिसाब से चलना है, लेकिन बस जो बातें मैं ध्यान दिलाने लायक कह रही हूँ कि आपका दिन की शुरुआत कल से करिए, और फिर भोजन जो भी खाएं उससे पहले थोड़ी सी सलाद जरूर खाएं, चाहे स्टीम कुक करके स्प्राउट्स खाएं, उसके बाद अपना रोटी सब्जी खाइए, रोटी सब्जी खाने में कोई मनाही नहीं है, मैंने खिचड़ी दलिया भी लिखा है, लेकिन आप रोटी सब्जी शाम को, कल खिचड़ी बनाई है, मतलब खिचड़ी ज्यादा बनाती हूँ, लेकिन इतना जी घबराया ना उस खिचड़ी को देख के, तो फिर कुछ खाने को ही नहीं हुआ, दाल चावल। तो आपका नहीं होता, आप रात को भी फल खा सकते हैं, भीगे हुए मेवे खा सकते हैं,
नारियल पानी पी सकते हैं, तो फल किसी भी समय खा सकते हैं, तो आप इस तरह से अपना क्रम जारी रखें। थैंक यू जी। इसके बाद सभी लोगों को मैं एक बार ये आपको लपेट मैंने आपको दिखाई थी पहले, सभी पुराने साधकों को तो मालूम है निर्मला जी, और नए साधकों के लिए ये लपेट, आप निर्मला जी आप तो बॉम्बे रहती है ना? हाँ जी। तो आप ये लपेट घर पे बना सकती हैं। अच्छा। इससे आपका जो है पेट पाचन क्रिया सही होगी। इसमें करना क्या है, देखिए कितनी चौड़ी है, कि आप अपने पेट पे इसको बांध सकते हैं, ये पेट पे बंधेगी ऐसे। हाँ। और इसको जो है पहले पेट के दो तीन इर्द गिर्द आप बांधेंगे इसको, उसके ऊपर हाँ। ये गर्म पट्टी लपेटेंगे। अच्छा। अब ये जो है वैसे तो ये रेडीमेड मिलती है पट्टी, हमारे केंद्र से भी है, वहां पे भी ऑर्डर आप किट कर सकते हैं। सभी लोगों को बताती हूँ मैं कि आप लोग सभी लोग ऑर्डर कर सकते हैं, कईयों ने तो ऑर्डर कर भी लिया है। और जो लोग अगर आप निर्मला जी आप भी अगर मंगाना चाहती हैं तो आप भी ये ऑर्डर कर सकती हैं हमारे केंद्र से, और नहीं तो घर में कॉटन का दुपट्टा लेके 1.5 मीटर लंबा कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए। हाँ। उसकी चौड़ाई इतनी हो जितने के 12-15 इंच की, जिससे आपका पेट कवर हो जाए। हाँ। इसको जो है दिन में जो है जिस समय थोड़ा पेट खाली हो, जैसे मान लीजिए अगर आपने नाश्ता किया है तो उसके 1 घंटे बाद। हाँ। पहले ये दिन में अगर बांधेंगे तो हल्के पानी सादे पानी में इसको पहले भिगो लीजिए लपेट को, और इसको फिर लपेट लीजिए अपने निचोड़ कर। ठीक है। पट्टी मैंने दिखाई ना, उसको हाँ। पानी में सादा पानी में भिगोना है और उसको अपने पेट पे लपेट लेना, 2-3-4 लपेटे आएंगे। हाँ जी। घर पे अपने दुपट्टे से कॉटन के दुपट्टे या पुरानी चादर, देख रहे हैं ये पतला कॉटन का कपड़ा है। हाँ, है मेरे पास दुपट्टा है अभी। हाँ। है तो उसको मेरे को बर्फ का सेक बहुत बोला है डॉक्टर ने। कहाँ पर? चेस्ट के नीचे है ना, बर्फ का सेक, जब भी एसिड बने तो बर्फ का सेक करो। अच्छा। तो अभी ये पट्टी आप ठंडे पानी की, परसों एसिड ज्यादा बना ना तो रखी थी मैंने दुपट्टा ठंडा। हाँ। पानी नॉर्मल पानी बदलती रहूं या लपेट के छोड़ दूं? नहीं, इसका तरीका वही है कि आप इसको पानी में सादे पानी में भिगोकर निचोड़कर इसको लपेटे, और उसके ऊपर ये ऊनी पट्टी उसी साइज की है, देखिए इतनी चौड़ी है, 1.5 मीटर लंबी है, इसके एंड पे जो है नाड़ा लगा हुआ है, इसको आप बांध ले और 40 मिनट तक इसको बांधे रखे। हाँ। तो इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, तो प्रयोग करें सभी लोग। सभी से मैं कहूंगी कि पेट पर बांधेंगे, क्योंकि सारी समस्याएं पेट से शुरू होती हैं, तो आप इसका नियमित प्रयोग करें। और बाकी लोग जी, कनक जी कैसा चल रहा है, सुशीला जी और महिमा जी अभी आई थी वो फिर चली गई है लगता है। हाँ, और बताएं आप, बल्कि मुझे सुझाव दीजिए कि ये शक्ति कैंप में और आप क्या चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से आगे का कार्यक्रम भी। जिस समझ आपकी स्किन समस्या का क्या हाल चाल है, मैंने स्किन के लिए हमने पिछली दफा बात करी थी। स्किन का तो है अभी मैम, नहीं हुआ ठीक। अच्छा, तो मेरे को मिली नहीं, मैं नारियल कोकोनट ऑयल तो लगा रही हूँ। ओके, तो आप जो है स्किन के लिए तो ये आप कुछ दिन के लिए बिना नमक मिर्च और फलहार पर आ जाइए, फास्टिंग करिए। आप डायबिटिक थोड़ी हैं? नहीं, डायबिटिक तो नहीं हूँ मैं, फलहार तो बीच बीच में करती हूँ मैं, जैसे कल मैंने फुल डे फलहार किया, मेरे ट्यूसडे का फास्ट था। ओके। हाँ, तो ज्यादा नमक नहीं खाते हैं, एकदम हल्का नमक खाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा फलों का सब्जियों का रस पिए, नींबू पानी सारा दिन पीते रहे, नारियल पानी, जैसे फास्टिंग करते हैं ना जब, तो उस समय जो है ये लपेट वगैरह जरूर लपेटिए, पानी जरूर खूब पीजिए, फास्टिंग में पानी खूब पीजिए ताकि आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो। जब नॉर्मल हम भोजन करते हैं तो जी, ये दो रोटी बनाते हैं ना, दूसरे दिन एक रोटी पड़ती है। ये एडमिन म्यूट कर दें। कनक जी आप कुछ कह रहे थे? मेरे तो एक ही।
तो ये स्किन की समस्या जड़ से करने के लिए आपको कुछ दिन फल सब्जियों पर रहना पड़ेगा, यानी कि आप मुनक्का, जैसे कि अंजीर मुनक्का भिगो के, और ये साथ में आप वो ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, तो ये नाश्ते में लीजिए, और फल लीजिए खूब सारे फल। लंच में खाली सैलेड सूप लीजिए, रात को केवल सब्जी खाइए, वो भी बिल्कुल कम नमक की और घिया तोरी, ये क्रम रखिए कुछ दिन का, तो उससे सिस्टम जो है डिटॉक्सिफाई होगा। सुशीला जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, जी बताएं आपका हाँ, क्या। मेरे को बाकी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो ठीक है, मेरा पेट भी ठीक है। मैं लंच में फ्रूट खाती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं खा पाती हूँ। लंच में मैं फ्रूट ही खाती हूँ और सैलेड खाती हूँ, और डिनर कर अभी शाम को हल्का डिनर करूंगी बस। ठीक है। और अभी मैंने थोड़ा सा जैसे ध्यान के बाद थोड़ा सा मुरमुरा या मखाना नॉर्मल 1 चम्मच ओलिव ऑयल में एक पूरा पैकेट को हम लोग भूनते हैं, बस वो लेती हूँ मैं। बस वही खाने का मेरा ऐसे कोई बहुत ज्यादा, मैं तला हुआ मीठा कभी भी नहीं खाती थी और अभी भी नहीं खाती हूँ। मैडी के आप लोग पुराने शक्ति कैंप के साधक हैं, मैडी के हाँ मेडिसिन में कुछ टेपरिंग की है आपने, मेडिसिन कुछ नहीं नहीं मेरा अभी बल्कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई एक और बढ़ गई है। क्यों? कोलेस्ट्रॉल अभी तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया था उसमें, क्योंकि 1 साल हो गया था तो मैंने कहा चलो करा लेती हूँ, तो कराया तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल था, मतलब पिछली बार थोड़ा बढ़ा हुआ था, वो और थोड़ा सा बढ़ के आया। माइंड पता नहीं क्यों, मैंने डॉक्टर को बोला था, मैंने कहा इतना ही होगा, मैं इसका थायराइड के लिए करती हूँ तो मेरा ये कम होना चाहिए, तो आप इसकी डोज कम करिए, जो डोज एक बार शुरू हो गई है वो कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेते हुए नॉर्मल आया है। हाँ कोलेस्ट्रॉल की बात मैं बताती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल तो एक तो बहुत आवश्यक हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट है उसकी, हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट है वो, इम्पोर्टेंट बात ये। नंबर दूसरी बात ये कि कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता केवल और केवल एनिमल्स में है, एनिमल मतलब हम भी जो है एनिमल हाँ कैटेगरी में आते हैं, तो आप के शरीर में कोलेस्ट्रॉल उतना ही बड़े बनेगा जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। दूसरी बात, आप कोई एनिमल फूड नहीं खाते या मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं आप? बस वो थोड़ी सी चाय पीती हूँ, मैं उसी में दूध डालती हूँ, कोई अलग से दूध नहीं लेती हूँ। कभी मेरे मन में आता है तो मैं 1 कटोरी दही जरूर ले लेती हूँ, बाकी और मेरा कुछ भी नहीं तो और कोलेस्ट्रॉल के, अगर मैं आपको है। दवाई के बारे में रिसर्च पेपर का बताऊं, तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इज वेरी वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल, ये मैं नहीं रिसर्च कह रही है, आप अपने डॉक्टर से बोलिए कि इसके पीछे तो रिसर्च पेपर है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो खाने से। मैंने बोला, मैंने कहा ये मैं कर हाँ लूंगी एक्सरसाइज से, मेरा हाँ मत चालू करिए दवाई, तो बोला नहीं दवाई या तो आप खुद डॉक्टर बन जाइए या हमारी सुन लीजिए। अब पुराने डॉक्टर कुछ तो बोल भी कहीं नहीं नहीं, सकते तो हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमें फिर डॉक्टर से जो है थोड़ा सा अपना अलग से उनको बिना बताए करना पड़ेगा, और हाँ। फिर खुद स्वयं आप चेकअप कराएंगे तो आपका अच्छा, और पूरी तरह से आप रिपोर्ट पे भी मत जाइए, कई बार रिपोर्ट्स में भी गड़बड़ हो जाती है आपको। बल्कि मैं आपको एक सलाह दूंगी कि एक और टेस्ट कराइए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा, लगता कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कोई कारण है, तो क्योंकि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, कोई तला हुआ मैं नहीं खाती हूँ, आप मेरा एक ऐसे टेस्ट कोई और कराएं ना, मैं आप। चॉकलेट्स खाती हूँ ना, मैं कोई मिठाइयाँ ऐसे जो केक वगैरह आते हैं वो भी मैं खाती नहीं हूँ, कुछ मेरा ऐसा कोई खाना है ही नहीं। बिल्कुल, आपको मैं ये सलाह दूंगी कि एक टेस्ट अलग लैब से, अलग जगह से कराएं, तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। कई बार लैब्स में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, हाँ हो जाता है। बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं, बिकॉज आप पुराने साधक हैं, आपकी डाइट ऐसी, आपका कोलेस्ट्रॉल, और अगर आप मेडिसिन पे हो जाते हो तो मेडिसिन बहुत आपके शरीर के लिए घातक रहेगी। अगर आप मेडिसिन खानी शुरू कर देंगे तो वो आपके हार्ट को वीक करेगी, वीक बनाएगी, तो वो हम नहीं चाहते, तो आप एक बार कंफर्म करिए, रीटेस्ट करवाइए। ठीक है। एक मिनट में मेरे को ये दिखाना था, मेरे को ये जैसे ना ब्लू ऐसे से पैचेस जैसे ना, वो काफी मतलब पहले थोड़ा थोड़ा था लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस पर आप लपेट बांधिए, ये वो है वेरिकोस वेन्स, हाँ अभी तो पहले मेरे बहुत कम थे, एकदम लाइट लाइट थे, अभी बहुत डार्क हो रहे हैं तो मेरे को डर लग रहा है। नहीं डरिए नहीं। एक तो जो 15 मिनट अपने तकिए, अपने सर से थोड़ा सा ऊंचा तकिया रख के, जैसे अच्छा आप लेटे हुए हैं, तो
तो थोड़ा सा एलिवेटेड तकिया करके 15 मिनट डेली ऐसे ऊपर करके बैठिए। अच्छा। या सोते समय भी आप थोड़ी देर 15 मिनट अपना पैर जो है अपने सर से ऊपर थोड़ा सा करिए। और किचन में जैसे आप काम करते हैं तो जैसे कई बार हम 2 घंटे लगातार किचन में खड़े हुए काम कर रहे हैं पता नहीं चलता, वो मत कीजिए। लगातार आप बहुत देर तक मत खड़े होइए, थोड़ा सा काम कर लें। मैं तो करती नहीं हूँ, काम ही नहीं करती हूँ। देखो वो हंस रही है, मैं तो काम नहीं करती हूँ। ओके, तो ये लपेट बांधिए इस पे। अगली बार जो है शक्ति कैंप में लपेट की चर्चा मैं करूंगी और हर तरह की अलग अलग ऑर्गेन्स पे कैसे कैसे हम जो है अलग अलग किस्म की लपेट जो है उसका इस्तेमाल और उसके फायदे के बारे में जानेंगे। तो आज का हम इस सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।